मॉर्निंग, ये द स्टडी का यूट्यूब चैनल है। माई सेल्फ अमन झा और ये एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है। इसमें हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी के हिस्ट्री एनसीईआरटी का लेक्चर 2 है ये। पहले लेक्चर में हमने देखा था हजार वर्षों के दरमियान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, पहले इसको डिस्कस किया था। इसमें हमने मुख्य तौर पर दो बातों पर ध्यान दिया था कि स्रोत किस प्रकार के हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या निरंतरता है, और मुख्य बिंदुओं या मुख्य धाराएं जो लगातार मध्यकाल के इतिहास में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, इसके बाद आज के लेक्चर में हम पूर्व मध्यकाल में होने वाले दो महत्वपूर्ण परिवर्तनों की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है ये मुख्य तौर पे पूर्व मध्यकाल की बात करता है और इसमें हम दो प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देंगे। पहला है त्रिकोणीय संघर्ष, जो 3 महत्वपूर्ण साम्राज्यों के बीच हुआ था, और उसके बाद सुदूर दक्षिण में जो है चोल शासकों के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो आगे देखते हैं इसे। देखिए, पहले लिखा हुआ है नए राजा और उनके राज्य। आपको अगर याद होगा तो हमने सबसे जो अंतिम राजवंश देखा था प्राचीन भारत का, वो हर्षवर्धन का पुष्यभूति साम्राज्य था। उसके हर्षवर्धन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उसका विघटन हो गया। कारण था सामंतवाद उस वक्त तक बहुत प्रबल हो चुका था, और अगर राजा अगर ताकतवर ना हो, ठीक है, तो बड़ी आसानी से उसके राज्य का विघटन हो जाएगा। जो उसके महासामंत हैं या सामंत हैं वो अलग हो जाएंगे उससे। तो पूर्व मध्य काल में जो लगभग आप 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच का काल लेते हैं, ठीक है, पूर्व मध्यकाल में एक चीज हुई जिसे कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष, इसके 3 कोण कौन कौन थे? एक तरफ था पाल वंश। देखिए, ये इन तीनों साम्राज्यों के उभरने की अपनी अपनी कहानी है। ज्यादा डीप में जाने की हमें इस वक्त जरूरत नहीं है, बस इतना समझना चाहिए कि ये कैसे उभर कर आए, इसकी हमें एक ब्रीफ अगर कहानी जान ले तो काफी है, ठीक है। और इधर है गुर्जर प्रतिहार। तो ये त्रिकोणीय संघर्ष चला था 3 साम्राज्यों के बीच में। आप इनके सीमा क्षेत्र देख सकते हैं, और ये जो बनाया गया है ये इनका जो परिवर्तनशील सीमाएं हैं, मतलब कभी कोई राज्य कब्जा लिया, कभी कोई राज्य कब्जा लिया। तो पालों की राजधानी थी, ये एक उनका महत्वपूर्ण शहर था पहाड़पुर। राष्ट्रकूट की राजधानी थी मान्यखेत, मालखेत। और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कभी कभी कुछ समय के लिए उज्जैन थी और कुछ समय के लिए कन्नौज। ये त्रिकोणीय संघर्ष था किस चीज के लिए? तो कन्नौज क्षेत्र पर काबू पाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन के काल में कन्नौज का जो राजनीतिक, सांस्कृतिक और एक चिन्हात्मक महत्व जो है, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है, वो बहुत बढ़ गया था। तो ये जो हर्षवर्धन पुष्यभूति सम्राटों के बाद जो ये 3 राज्य उभर कर आए, इनकी लगातार कोशिश थी कि इस क्षेत्र पर कब्जा किया जाए। अब ये त्रिकोणीय संघर्ष दरअसल 200 साल चला, ठीक है, और एकदम पेंडुलम दोलक की तरह स्विंग होता था, कभी इधर कभी उधर। तो हमें उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि कब कौन सा युद्ध हुआ, किस राजा ने किसे हराया, फिर उसे किसने हराया इत्यादि। बस ये इतना अभी जाने के लिए काफी है कि ये इनकी उत्पत्ति कहां से थी। तो भाई, ये किसी न किसी समय में उनके अपने से पहले किसी के सामंत रहे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो राष्ट्रकूट थे ये चालुक्यों के अंदर सामंत थे। जो चालुक्य आपको याद हो कि बादाम, ऐहोल जिनकी राजधानी थी, और उनके दो और प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र थे बादामी और पट्टदकल, ठीक है।
उसी प्रकार से जब गौड के शशांक का के वंश का जब पतन हुआ तो इस क्षेत्र में भी काफी केओस हो गया, ठीक है, काफी कंफ्यूजन था। तो स्थानीय सामंतों ने, स्थानीय प्रमुख गणों ने ये निश्चय किया कि भाई कोई तो राज संभाले ताकि कुछ स्टेबिलिटी आ सके, कुछ लॉ एंड ऑर्डर हो। तो पाल वंश का ऐसे आगमन हुआ, एक तरीके से आप इसको इलेक्शन ही मान सकते हैं कि लोकल सामंतों ने अपने बीच में से किसी को चुना और पाल वंश की नींव डाली गई उस वक्त। इसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार भी, उनके कई वंश जो हैं वो इस एरिया में पहले से ही मौजूद थे और आपको पूर्व मध्यकाल में ये उभर कर आते हैं। इन के बारे में जानने के स्रोत क्या है कि हमको कैसे पता चलता है इनके बारे में, ठीक है, ये जो नए राजवंशों का उदय हुआ इनके बारे में पता कैसे चलता है। एक तो इनके अभिलेख हैं, भाई किसी राजा ने कोई भी अवसर हो, चाहे कोई प्रमुख युद्ध जीता हो, ठीक है, चाहे किसी का राज्याभिषेक हुआ हो, चाहे किसी मंदिर को अनुदान दिया गया हो, तो ये कांस्य पर या पत्थरों के ऊपर अभिलेख लिखा करते थे और इससे हमें इनकी वंशावली के बारे में पता चलता है। इनसे हमें ये पता चलता है कि इनके अंदर कौन कौन सामंत थे, उनकी क्या शक्तियां थी इत्यादि, किस प्रकार का युद्ध हुआ, इनकी युद्ध के बारे में पता चलता है। दूसरे, इनमें से कई राजाओं ने सिक्के भी जारी किए, तो अगर वो सिक्के भी आपको मिल जाते हैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्रोत रहता है इनके बारे में जानने का। दूसरा, कई विदेशी यात्री भी इस दरमियान यहां आए, अरब से या किसी और क्षेत्र से, खास करके जो अरब से आने वाले व्यापारी थे या कोई राजदूत हो, अलमसूदी, अब्दुल रजाक, ऐसे व्यक्ति जो आते हैं, तो उनका भी यात्रा वृतांत है कि वो जब बताते हैं कि इन राज्यों के शहर ऐसे थे, इनकी सेनाएं ऐसी थीं, राजा की ये खासियत थी इत्यादि, तो इनके बारे में जानने के ये स्रोत हैं। हमें एग्जैक्ट डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है कि कब किस राजा ने किससे लड़ाई की, बस इसका इसका क्रक्स ये है कि लगभग 200 साल तक पूर्व मध्यकाल में एक त्रिकोणीय संघर्ष चला तीन साम्राज्यों के बीच में, गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट। और इस स्वाभाविक है कि इस लगातार चलने वाले संघर्ष के कारण ये थोड़े कमजोर भी हुए बाद में, इसके कारण इनका भी पतन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पाल वंश के बाद सेना वंश वहां पर आए, सेन या सेना वंश। राष्ट्रकूटों को है उन्हीं के एक सामंतों ने परास्त किया, परमार सामंतों ने उन्हें परास्त किया, ठीक है। और बाद में यहां पे जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ तो इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कुछ शब्द लिखे हुए, चाहमान लिखे हुए हैं, चंदेल लिखे हुए हैं, को परमार लिखे हुए हैं, यहाँ पे चालुक्यों का उदय होगा। ये चालुक्य सुनने में कर्नाटका वाले चालुक्यों ऐसा लगता है, बट ये थोड़ा अलग वंश था, ठीक है। इसके अलावा और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में गढ़वालों का उदय होता है, जबलपुर के आसपास कलचूरी वंश का उदय होता है, दिल्ली के आसपास तोमर वंश का उदय होता है। ये सारे राजपूत वंश जो हैं किसी न किसी समय में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे और जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन हुआ तो ये भिन्न भिन्न राज्यों के तौर पर उभर कर आए। जो चाहमान थे, जिन चौहान भी कहते हैं, ये अजमेर क्षेत्र में उभर कर आए और फिर इन्होंने ही दिल्ली का जो क्षेत्र है तोमरों से जीता और बाद में इन्हें मोहम्मद गौरी ने हराया था। इस समय की एक और विशेषता ये है कि ये जो लिखा हुआ है मंसूर के अरब, ये जो बलूचिस्तान, सिंध बलूचिस्तान का क्षेत्र है, या मुल्तान के अरब, तो आपको याद होगा कि लगभग 710 ईस्वी में सिंध विजय की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। ये एक अरब सैन्य थे, एक अरब सैनिक थे, एक अरब कमांडर थे, ठीक है। तो तब से लगातार भूभाग से और कभी कभी समुद्र के रास्ते से भी अरब साम्राज्य का, चाहे अरब ये कैलिफों उनका, भारत उपमहाद्वीप पे लगातार आक्रमण होते रहे थे। और जब ही कोई शासक, चाहे गुर्जर प्रतिहार हो, एक नागभट्ट नाम के गुर्जर प्रतिहार शासक थे, नागभट्ट प्रथम, या इधर भीम द्वितीय थे गुजरात के चालुक्य समय के, तो ऐसा कोई भी शासक जब किसी ऐसे बड़े अरब आक्रमण को हराता था तो उस
अवसर के उपलक्ष्य में कोई ना कोई अभिलेख या अनुदान किए जाते थे, जिससे भी हमें पता चलता है कि लगातार जो है इन क्षेत्र के राज्यों का लगातार अरबों से, यहाँ बसने वाले अरबों से संघर्ष चलता रहा। और ये जरूरी था कि किसी भी भविष्य में किसी भी एक बड़े इंकर्जन को या किसी बड़े हमले को टालने के लिए यहाँ मजबूत राज्य बने रहें। जो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा है वहां मजबूत राज्यों के होने की जरूरत थी ताकि किसी बड़े आक्रमण को रोका जा सके। परंतु त्रिकोणीय संघर्ष के कारण या अन्य भी कारण रहे होंगे, जब गुर्जर प्रत्याहारों का पतन हुआ और छोटे छोटे राजपूत राज्य उभर कर आए, तो वो अंततः जो है जब गजनी का, महमूद गजनी का या मोहम्मद गोरी का अटैक हुआ तो उन्होंने वो उसको नहीं रोक पाए। तो एक ये एडिशनल मैसेज इसका ये है। अब इसके बाद आते हैं कि हमने बताया तो कि संक्षिप में कि राजवंशों का उदय कैसे हुआ था, लेकिन थोड़ा और इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमने प्राचीन भारत पढ़ते वक्त बात की थी कि ये सभी शक्तिशाली परिवारों का समर्थन लेने का तिकड़म जो है वो दीर्घ काल में फायदेमंद नहीं है। कि आपको अभी आपके सामंत हैं, महासामंत हैं या महामंडलेश्वर हैं, ये अभी तो समर्थन देंगे, लेकिन जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये तुरंत आजाद हो जाएंगे या कुछ केसेस में तो अपने राजा को ही अधीनस्थ कर देंगे। दरअसल इस काल तक राजा और कृषक के बीच सामंतों की एक लंबी श्रृंखला बन चुकी थी। वो कैसे? राजा है सबसे ऊपर और कृषक, जो गांव का कृषक वर्ग है, हालांकि गांव भी एक एक समान नहीं है, गांव के स्तर पे भी काफी आपको मतलब असमानता दिखती है। गांव में भी आपको मजदूर होगा, छोटा किसान होगा, मझला किसान होगा और बड़ा किसान होगा, ठीक है। गांव में भी ऐसे होंगे जो शिल्पकार होंगे, दस्तकार होंगे, जो बाकी सेवाएं मतलब अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे गांव के लोगों को और बदले में उन्हें अनाज दिया जाएगा, जिसे जजमानी सिस्टम कहते हैं, जजमानी प्रथा कहते हैं। लेकिन इनके बीच भी कई सारे सामंतों की श्रृंखला उभर कर आई थी, ठीक है। मतलब आपको यहां पर एक सामंत होंगे जो राजा के सबसे नजदीक होगा, और स्वाभाविक है उनकी संख्या कम होगी, लेकिन वो क्या है, उनकी शक्ति बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे संख्या बढ़ेगी लेकिन शक्ति कम होती जाएगी। तो एक श्रृंखला है एक राजा और कृषक के बीच में, और ये सभी जो हैं भूमि से कर लेकर, भूमि या कृषि से कर लेकर अपना पालन करते हैं। ये श्रृंखला बनी कैसे? तो आपको याद हो हमने बात की थी भूमि अनुदान की, लैंड ग्रांट, ठीक है। भूमि अनुदान के बारे में जानने का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आपका जो कांस्य शिला अभिलेख होते हैं, वो सबसे प्रमुख स्रोत है। कई प्रकार के भूमि अनुदान थे, एक जो व्यक्तिगत स्तर पे ब्राह्मणों को या अन्य या किसी अन्य व्यक्ति को या बुद्धिस्ट भिक्षुओं को दिए गए थे। हालांकि शुरू शुरू में जो भूमि अनुदान में जो अधिकार दिए जाते थे वो बहुत सीमित थे, कि आप बस उस भूमि से जो आमदनी हो वो आपकी है, लेकिन राज्य आपसे कर ले सकता है, राज्य का प्रशासनिक और सैन्य अधिकार भी है उसके ऊपर। लेकिन गुप्त काल आते आते व्यक्तिगत भूमि अनुदान काफी शक्तिशाली हो चुके थे। मतलब राज्य का उस क्षेत्र में जो इंटरफेरेंस था, जो उसका, वो काफी कम हो गया था, कि अब आप, आपसे राज्य कर नहीं लेगा और आप ही कर लेंगे वहां से, ठीक है। आप जो प्रशासनिक कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा राज, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस नहीं करेगा राज्य उसके ऊपर, राजा के सैनिक उस क्षेत्र में नहीं आएंगे, उस क्षेत्र में जो है कोई न्याय व्यवस्था है या दंड प्रणाली है, आप चाहे तो कोई नया कर भी लगा सकते हैं। तो एक प्रकार क्या है कि पूर्ण स्वायत्तता मिल गई थी ऐसे व्यक्तिगत अनुदान मिलने वालों को गुप्त काल तक। और ये हमें पता चलता है एक बहुत ही फेमस प्रभावती गुप्ता, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी, उनके एक कांस्य अभिलेख से पता चलता है कि उस काल तक जो है व्यक्तिगत भूमि अनुदान भी काफी स्वायत्त हो गए थे। अच्छा, अनुदान देने की शुरुआत कैसे हुई, किसको ये आइडिया आया, अनुदान क्यों दिया गया, इसमें इतिहासकारों के बीच में थोड़ी मतलब वाद विवाद है इस चीज के ऊपर। कोई कहता है कि आर्थिक विकास के लिए, कि भाई कृषि का विकास हो, तो इससे जो है आपने तो पहले भी पढ़ा था कि कृषि का जब विकास होता है तो आर्थिक प्रगति होती है, नगरीकरण होता है, व्यापार और वाणिज्य बढ़ता है, और इन सभी आर्थिक गतिविधियों से राज्य कर वसूल के अपने आप को शक्तिशाली बना पाता है। तो एक मत ये कहता है,
दूसरा मत ये कहता है कि नहीं, ये दरअसल समाज पर अपने अपनी जो नियंत्रण है उसको बढ़ाने के लिए किया गया था, कि कई बार राजा का नगरों से बाहर इतना नियंत्रण होता नहीं था, तो वो खास करके आदिवासी इलाकों में, जंगल के इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में अपने नियंत्रण को फैलाने के लिए ऐसे जो एम्बिशियस लोग थे उन्हें वहां भूमि अनुदान देते थे कि जाओ वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करो और आप वहां से इनकम जनरेट करो। तो भूमि अनुदान क्यों दिया जाने लगा, या ये मात्र एक प्रकार का गिफ्ट होता था कि भाई आप अगर किसी ने पूजा, आपके यहाँ कोई यज्ञ करवाया है किसी ब्राह्मण ने, या आप, या आपके लिए कोई बड़ा काम किया है, या आपके लिए कोई प्रशस्ति लिखी है, तो मात्र एक तोहफे के रूप में दिया गया। तो इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, इसको लेकर थोड़ा वाद विवाद है, लेकिन कुछ इसके प्रमुख पहलू हैं। जैसे कि पहला, एक तो व्यक्तिगत अनुदान हुआ, बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मंदिर और मठ बनते गए, विशाल होते गए, तो उनके रख रखाव के लिए भी अनुदान दिया जाने लगा। अच्छा, कुछ कुछ मंदिरों के पास तो इतनी जमीन होती थी कि वो फिर अपने अनुदान में से अनुदान देने लगे, ताकि अब जो मंदिर के ट्रस्टी हैं वो तो डायरेक्टली खेती पे नहीं ध्यान देंगे, उनका तो काम धर्म कर्म का है, तो वो और इतनी बड़ी जमीन है तो वो उसको भी अनुदान में दे रहे हैं, तो मंदिर भी एक प्रकार से बड़े जमींदार के तरीके से काम कर रहे हैं। फिर वेतन के तौर पर आपने देखा गुप्त काल में, मतलब कई ऐसे अधिकारी थे जो एक से ज्यादा पदों पर थे, उन अपने पिताजी से, वो जैसे कि हरिसेन थे वो महादंड नायक थे क्योंकि उनके पिताजी भी महादंड नायक थे, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे परिवार भी अगर इनका उदय हुआ है तो वो हो सकता है या तो वेतन अनुदान के द्वारा हुआ हो, या एक दूसरा मत ये है कि चूंकि गुप्त काल के अंत तक नगरीकरण, व्यापार, मुद्रा व्यवस्था, इन सब चीजों में गिरावट आने लगी थी, तो बड़े बड़े अधिकारियों को नगद सैलरी देने की जगह, कैश सैलरी देने की जगह भूमि अनुदान दिया जाने लगा। ये एक मत है, इसको लेके एक कंसेंसस तो नहीं है। और फिर उसके बाद आते हैं सैन्य अनुदान। मतलब कोई व्यक्ति है वो सेना मेंटेन करेगा और बदले में राजा को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा और राजा उन्हें अनुदान देंगे। काम क्या है कि आपको अपने हिस्से की सेना का रख रखाव करना है, अपने खर्च निकालने हैं, और जब आप राजा आपको सेवा के लिए बुलाए, सैन्य सेवा हो उसके लिए बुलाए, या आपको कहे कि राज दरबार में आपको एक प्रमुख पद दिया जा रहा है उसके लिए बुलाए, तो आपको वहां जाना है, राजा के दरबार में आप समय समय पर हाजिरी लगानी है, वैवाहिक रिश्ते भी स्थापित करने हैं, अगर आप कोई सिक्का या कोई अभिलेख लिखते हैं, अगर कोई ऐसा बड़ा सामंत है या महासामंत है वो अगर ऐसा कोई अभिलेख लिखता है जिसमें वो भूमि अनुदान दे रहा है या कुछ और, तो उसमें वो बताएगा कि वो किस राजा का सामंत है, अपने सिक्कों पे वो राजा का नाम लेगा। तो ऐसे क्या है, सैन्य अनुदान भी इसका एक पक्ष था। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इस समय राजवंश जो थे वो काफी गतिशील हो गए थे, गतिशील राजवंश। आपको याद हो तो हमने पूर्वी चालुक्य, पूर्वी गंग और राष्ट्रकूटों की बात की थी कि ये सारे अपने ओरिजिन के स्थान से, जहां से वो निकले थे, कहीं दूर जाकर उन्होंने अपना राजवंश बसाया था। तो ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जो राजवंश जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो ये भी एक व्यक्ति इनमें से एक राजा बनेगा और वो अपने रिश्तेदारों को अनुदान देगा, ताकि ये मेरे राज्य का अगर 10 भागों में बांट देगा, एक भाग अपने पास रखेगा और बाकी अपने 9 प्रमुख रिश्तेदारों को अनुदान दे देगा कि जाइए आप इंटरनली पूरी तरीके से स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी है, लेकिन आपको सेना मेंटेन करनी है और हमें समय समय पे सेवाएं देनी है। तो इन सब कारणों से क्या हो गया था कि एक श्रृंखला बन गई थी किसानों और राजा के बीच में, क्योंकि इनमें से कुछ सामंत इतने बड़े होते थे कि फिर वो महासामंत बन जाते थे और अपने अंदर सामंत रखने लगते थे, सामंतों के अंदर फिर बड़े जमींदार, तो ऐसे एक श्रृंखला बन चुकी थी। दूसरी बात आती है कि इनका जो उद्भव हुआ या उदय हुआ, तो दरअसल प्राचीन भारतीय परंपरा में रहा है कि राज्य या राजा एक क्षत्रिय वंश का होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं था। तो क्या अतिक्रम निकाला जाए, जैसे कि दंती दुर्ग की कहानी है, जो जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, उन्होंने चालुक्यों को हराया, ठीक है, जो उनके राजा थे, और अपने राजवंश की स्थापना की। तो उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है,
जिसमें स्वाभाविक है ये जो आइडिया आया होगा ये भी जो है प्रीस्ट किसी किसी पुजारी वर्ग के थ्रू आया होगा। तो उन्हें बताया कि हिरण्यगर्भ यज्ञ किया गया जिसके तहत वो क्षत्रिय ना होने के बावजूद भी क्षत्रिय बन के उनका पुनर्जन्म हुआ था। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ। तो आपका जो पुनर्जन्म हुआ है क्षत्रिय के तौर पे, तो अब आप जो है आपको मतलब मान्यता है, वैधता है राज करने के लिए। उसी प्रकार और कई सारे मूल मिथक बनाए गए। कई बार पुराणों में अगर कोई राजवंश दिया गया है तो उससे अपने आप को जोड़ना, कई बार अपने आप को चंद्रवंशी या सूर्यवंशी बताना, अपने अभी ये कहां बताते थे, ये अपने अभिलेखों में या अपने जो इनके भी डिक्रीज होती होंगी उसमें। एक और कॉन्सेप्ट था कि ब्रह्मक्षत्र का, कि अगर कोई ऐसा राजवंश उभर कर आता है तो बताता है कि भाई हमारी उत्पत्ति में जो है हमारे पिताजी ब्राह्मण थे और उनकी या दो माता उनकी दो पत्नियां थी जिनमें से एक ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय थी, तो हम जो है हमारे माता पिता में से एक ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, तो हम उसके सो एक तरीके से हाफ क्षत्रिय होके आपको है जो वो रूल करने का अधिकार मिलेगा। तो ऐसे क्या है कि ये क्या दिखाता है, ये आपको राजा बनने के लिए भी आपको एक सामाजिक अनुमति चाहिए होती है। उस सामाजिक अनुमति के लिए, उस लेजिटिमेसी के लिए ऐसे अलग अलग हथकंडे अपनाए गए कि वो अपने अभिलेखों में, अपनी प्रशस्ति में, अपने सिक्कों पे या अन्य किसी जो भी उनका राजकीय उनका जो प्रोपेगेंडा होता होगा उसमें ये ऐसी मूल मिथक को बार बार प्रोपेगेट करते होंगे, जिससे कि ये आइडिया आता है, हमें ये इतिहास पढ़ने के क्रम में समझ में आता है कि एक तरफ तो अगर एक इंसान प्रतिभाशाली है, महत्वाकांक्षी है, तो वो चाहे किसी अन्य वर्ग से आता हो लेकिन फिर भी राज कर सकता है। लेकिन एक बार राजगद्दी हथियाने के बाद, एक बार राजवंश की स्थापना करने के बाद फिर भी आपको अपने आप एक वैधता प्राप्त करनी होती है। ठीक है, हम देखेंगे अगले चैप्टर में जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, तो सुल्तान को जो कैलिफ हैं, ठीक है, जो उनसे क्या है कि वैधता लेनी पड़ती थी। सुल्तान का मतलब ही था कि ये आप जो कैलिफ के जो नीचे खलीफा हैं उनके नीचे आते, मतलब उनके डेप्यूटी हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि कदंब मयूर शर्मन, इन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में अपने कदंब वंश की स्थापना की थी, और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की स्थापना की थी। इसे कि देखिए इनका एक बड़ा अच्छा सा मूल मिथक है कि इन्होंने कहा कि प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल, गेटकीपर, और इन्होंने कहा कि हम लक्ष्मण के वंशज हैं जो कि अपने बड़े भाई राम के प्रतिहार थे, तो इसलिए हमारे वंश का नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार, और चूंकि अगर हम लक्ष्मण के वंशज हैं तो हम क्षत्रिय हुए तो हमें राज करने का अधिकार है। तो हमें यहां पे इतिहास पढ़ने के क्रम में यह ध्यान रखना है कि राजा को क्या करना पड़ता था अपनी वैधता पाने के लिए। राजा मंदिर बनाएगा, भूमि अनुदान देगा, ठीक है, अपना एक मूल मिथक बनाएगा, बार बार ये कहेगा कि मैं वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को मत बनाए रखूंगा, ऐसी बातें करेगा। जैसे कि आज के समय में क्या होता है, चाहे जब चुनाव आता है तो एमपी एमएलए हमें कहते हैं कि मैं आपको ये चीजें फ्री में दूंगा, मैं रोड बनवा दूंगा, मैं स्कूल खुलवा दूंगा, बदले में आपको वैधता मिले। तो ये वैधता प्राप्त करने का ही कवायद है। अच्छा, ये जो राज्य थे इनमें प्रशासन कैसा था, भाई सामंतीकरण तो खूब हो चुका था लेकिन फिर भी प्रशासन तो चाहिए आपको। राजनीतिक शक्ति में आ रही गिरावटों को छिपाने के लिए भारी भरकम खिताब लिए गए, जैसे कि महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती, ठीक है, तीनों लोक हैं त्रिभुवन चक्रवर्ती, मतलब एक तरफ तो अपना लोक है जो अपना किंगडम है उसी में आपके पास आपकी सत्ता इतनी कम हो गई है कि आपको कोई महासामंत जो महत्वाकांक्षी हटा सकता है, लेकिन उपाधि है त्रिभुवन चक्रवर्ती। इसके बावजूद अपने सामंतों, ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों के साथ सत्ता की साझेदारी करते थे, ठीक है। तो ये आप विरोधाभास देख सकते हैं कि अगर किसी राजा के अभिलेख में
ठीक है, या अगर उसके किसी सिक्के पे, हालांकि सिक्के पे इतना लंबा चौड़ा नाम लिखना मुश्किल है, तो मुख्य तौर पे अभिलेखों पे होते थे और ये अभिलेख आमतौर पर भूमि अनुदान देते वक्त लिखे जाते थे। भू राजस्व किराए के रूप में लिया जाना, किसानों से तरह तरह के कर और बेगार आदि समाज और राज्य के सामंतीकरण का संकेत देते हैं। राजा एवं कृषक के बीच सामंतों की एक लंबी श्रृंखला बन चुकी थी जो हमने वहां देखा है। देखिए, किराया कौन लेता है? जो मालिक होगा। अगर कोई आज के टाइम में कोई स्टूडेंट है एग्जाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है दिल्ली में या कहीं और रह रहा है और किराया दे रहा है, तो किराया आप मकान मालिक को देते हैं ना। तो अगर भू कर है, ठीक है, भू राजस्व अगर किराए के तौर पर लिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसके उसका जो स्थानीय स्वामी है, ठीक है, जिसके ऊपर और स्वामी है और स्वामी के ऊपर भी और स्वामी है सीधे अब राजा तक, ये कह रहे हैं कि देखो इस जमीन पे हमारा मालिकाना हक है। तो एक तरफ तो किसान मतलब कई जनरेशन से वहां पे खेती कर रहा है लेकिन मालिकाना हक उसका नहीं है, मालिकाना हक सामंत का है। तो सामंत कह रहा है कि इस पे मेरा मालिकाना हक है, इसलिए मुझे इसको तुम किराए के तौर पे दो, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कैसे सामंतीकरण हो गया। अच्छा, कई बार और किसानों से तरह तरह के कर और बेगार लिए जाते थे होता। कई अभिलेखों में हमने ये भी देखा है कि अगर कोई जग गांव अनुदान में दिया गया है, गांव और उसके आसपास का कृषि क्षेत्र, तो उसमें अनुदान में ये लिखा होगा कि इस गांव में रहने वाले जो किसान वर्ग, जो किसान हैं, शिल्पकार हैं, दस्तकार हैं, वो भी अनुदान में दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ जमीन ही नहीं, लोगों पर भी सामंत का हक है, ठीक है। आप ये क्या है कि आपको उस जमीन से बांध देने वाली बात हुई कि आप वहां कहीं से आप जा नहीं सकते, जाएंगे तो आपको दंडित किया जाएगा। तो अगर आपको जमीन से बांध दिया गया है और आप दोनों को अनुदान में दिया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है कि आप जिसे अनुदान दिया गया है, जो नया भूस्वामी है, वो आपसे बेगार करवा सकता है। वो कहेगा ठीक है, आप नियमित कर नहीं दे सकते, आपकी आमदनी बहुत कम है, या चाहे आप कोई शिल्पकार हैं तो आप कर तो दे नहीं सकते भूमि भू राजस्व, तो आप क्या कीजिए, आप जो भी चीज बनाते हैं वो आप मान लीजिए कोई लोहार है तो आप सामंत के लिए कुछ लोहे की चीज बना देंगे, या आप कोई अन्य सेवा प्रदान करते हैं, ठीक है, चाहे आप जूता बनाते हैं, चाहे आप बाल काटते हैं, तो आप क्या करेंगे, ये काम आप सामंत के लिए मुफ्त में करेंगे। आप अगर खेतीहर मजदूर हैं तो महीने के 30 दिन में से मान लीजिए 7 दिन है या 10 दिन है, वो निर्भर करेगा कि सामंत कितना शोषण कर सकता है। आप उतने दिन सामंत के जो का खुद का खेत है जिसकी सारी आमदनी उसे जाती है, वहां पे आके आप बेगार कर देंगे। बेगार की प्रथा तो हाल तक चली है, मतलब ये इतनी कुरीति इतनी शायद मेरे ख्याल से प्रीवेलेंट थी कि भारत के संविधान में, ठीक है, मूल अधिकारों में लिखना पड़ गया कि भाई बेगार प्रथा खत्म की जाती है। तो ये दिखाता है कि कितना सामंतीकरण हो चुका है, ठीक है। देखिए, एक सामंतीकरण का एक जो पहलू ये होता है कि अगर सामंतीकरण ज्यादा है तो राज्य ज्यादा अधिकारी नहीं रखेगा, जो राज्य के अधिकारी हैं वो कम रखने पड़ेंगे उससे। अब क्यों? क्योंकि सारा प्रशासन चाहे स्थानीय स्तर पर हो या प्रांतीय स्तर पर हो, सारा तो ये सामंत कर रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय स्तर पर भी जो है, जो मंत्री होंगे, जो अधिकारी होंगे, वो बहुत कम होंगे, क्योंकि आपको जो कर वो भेज रहे हैं उसी से काम चलाना है। एक तो राजा के का जो सीधा नियंत्रण जिस क्षेत्र पर है वो क्षेत्र बहुत कम है, बाकी सामंतों के नियंत्रण में है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए। दूसरा, स्थानीय स्तर पर या प्रांतीय स्तर पर जो बड़े बड़े, अगर प्रांतीय स्तर पर है तो बड़े सामंत चला रहे हैं काम, स्थानीय स्तर पर छोटे सामंत या जमींदार काम चला रहे हैं। तो एक सीधा परिणाम होता है सामंतीकरण का कि राज्य के जो अधिकारी होंगे उनकी संख्या कम हो जाएगी। ये चोलों के जो अभिलेख हैं उसमें कई इतिहासकारों ने नोटिस किया है कि अगर राजा प्रभावशाली है, शक्तिशाली है, तो उसके जो अभिलेख हैं उसमें अधिकारियों के ज्यादा नाम है, ज्यादा प्रकार के अधिकारियों के नाम है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उस पीरियड में, उस शक्तिशाली राजा के एक समय में सामंतीकरण भी थोड़ा कम हो गया होगा, और अगर कोई कमजोर शासक है तो प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी। चोल शिलालेखों में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के 400 करों में से सबसे अधिक कबार वेट्टी का उल्लेख है, जिसका मतलब है बंधुआ श्रम,
और कदमई का मतलब है भू राजस्व। तो देखिए, भू राजस्व लेना और बंधुआ श्रम कराना ये सामंतों के और राजा के आमदनी का एक प्रमुख स्रोत था। ठीक है, राजस्व संग्रह के साथ साथ प्रशासनिक तंत्र का भी सामंतीकरण हो गया था। ये हमने अभी डिस्कस किया कैसे कि अगर ज्यादा सामंत होंगे तो अधिकारियों की कम जरूरत पड़ेगी, सामंत ही ज्यादातर स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन देख लेंगे और केंद्रीय प्रशासन में भी आपको कम ही अधिकारी चाहिए होंगे। संसाधनों का उपयोग राजा और सामंतों के महलों, सेनाओं और मंदिर निर्माण के लिए किया जाता था। ये एक तरीके से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि भाई क्या करोगे उस प्रशासन, तो ये इन चीजों में उनको खर्च किया जाता था। ठीक है, अब एक टॉपिक है प्रशस्ति और भूमि अनुदान। तो कहा है कि ब्राह्मणों और राजाओं के बीच संबंध, सीधा संबंध है, एक जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं आपके आप जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें, जैसे कि आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं तो कोरल रीफ्स क्या है, वो एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। वैसे ही यहाँ राजा और ब्राह्मणों के बीच में एक ना म्यूचुअली एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। क्या, तो ब्राह्मण जो है आपके लिए मूल मिथक लिखेंगे, आपके लिए प्रशस्ति लिखेंगे। ठीक है, आप अगर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और आपने किसी और राजा को हरा के उसका राज्य छीन लिया है तो आपको कैसे आपके रूल को जस्टिफाई किया जाएगा, ये सब चीजें आपके राज्य में। ये खास करके दक्षिण भारत के केस में ज्यादा देखा गया है कि जो अधिकारी वर्ग हैं, चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए तो अधिकारी वर्ग में भी कई मात्रा में कई जगहों पर ब्राह्मण होते थे। भूमि अनुदान बदले में आपको क्या है, राजा भूमि अनुदान देगा। अच्छा, भूमि अनुदान देने से के दो फायदे, एक आर्थिक प्रगति कि भाई अगर कोई क्षेत्र में पहले कृषि नहीं होती थी, यहाँ जनजाति समाज रहता था जो कृषि पे जिसका उतना ध्यान नहीं है, तो वहां पे आर्थिक कृषि अधिशेष पैदा होगा, आर्थिक प्रगति होगी जिसको आप कर लगाएंगे और राज्य का विकास होगा। एक दूसरा फायदा यह भी था कि अगर किसी को आपने भूमि अनुदान दिया है तो वो अपनी सैन्य क्षमता से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, जहां अदरवाइज पहले क्या था कि राजा को या रॉयल ऑफिशियल्स को डायरेक्टली वहां के लॉ एंड ऑर्डर में इन्वॉल्व होना पड़ता था। तो ऐसी चीजों क्या है कि एक दूसरे को फायदा हो रहा है उससे। साफ यही लिखा गया है कि ब्राह्मणों को वहां पे अगर कोई दिया गया है तो प्रशासनिक स्वायत्तता भी है। मतलब क्या है प्रशासनिक स्वायत्तता का, कि आप अगर मान लीजिए जमीन खाली है, वहां पहले खेती नहीं होती थी, तो स्वाभाविक है जो भी आमदनी है वो आपकी है। आपका खर्च क्या है कि आप वहां अगर आसपास की जनजातियों को खेती में जोड़ते हैं तो उन्हें जो सैलरी देनी होगी, और अगर वहां पे पहले से ही खेती होती है तो कर आप वसूल कर सकते हैं। दूसरा, इंटरनली जो है आप सैनिक रखेंगे और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो आप मेंटेन करेंगे, न्याय व्यवस्था आप चलाएंगे। जितने प्रकार का अगर कोई नई आमदनी होती है, अगर उस जमीन से कोई खनिज या मिनरल निकलता है, ठीक है, या कोई पानी निकलता है, तो वो आमदनी आपकी है और राज्य का हस्तक्षेप इन मामलों में नहीं होगा। तो इस ये मतलब है प्रशासनिक स्वायत्तता का। एक दूसरा फायदा है जिसके बारे में हम थोड़ा आगे चल के बात करेंगे, और ये शायद चोलों के केस में देखा गया है कि चोल राजा थे, चोलों के राज्य में ये देखा गया है कि चोल राजा कई बार जो ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान थे, जिसे ब्रह्मदेय कहते थे, और ऐसे अनुदान वाली ऐसे जो गांव थे जिन्हें सभा चलाती थी, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, और ये हालांकि इस किताब में नहीं दिया हुआ है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ऐसे ब्राह्मण अनुदानों की सहायता से चोल शासक जो वेल्लार थे, जो स्थानीय स्तर पर काफी प्रभावशाली थे और राजा की राजा के हस्तक्षेप करने की कोशिशों को रिजिस्ट करते थे, उन्हें काउंटर बैलेंस करने के लिए उन्हीं के आसपास ब्राह्मण ये सेटलमेंट को भी वो प्रोत्साहित करते थे। हालांकि ये इस बुक में ये पॉइंट नहीं दिया गया है। देखिए, आम तौर पर ब्राह्मण जो भी प्रशस्ति लिखते थे राजाओं के बारे में, अतिरंजित प्रशस्तियां होती थी, मतलब खूब फेंका है उसमें कि राजा ने यहां से लेके न्यूयॉर्क तक पूरा जीत लिया है, या राजा से बेटर कोई म्यूजिशियन नहीं है, राजा से बेटर कोई गिटार नहीं बजा सकता, राइट? तो ऐसी बातें लिखी होती थी। लेकिन एक राज तरंगिणी है जो कि एक अभिलेख नहीं है, अपने आप में एक पुस्तक है, और ये इतिहास की पुस्तक है, क्योंकि कल्हण जो है जो कश्मीर घाटी से थे
उनका मकसद ही था कि कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा जाए। राज तरंगिनी का मतलब ही होता है कि राजाओं की तरंग। तो उन्होंने कश्मीर घाटी के राजाओं का इतिहास लिखा, और ये इतिहास लिखने के लिए उन्होंने बहुत ही रैशनल तरीके से अलग अलग स्रोतों को मतलब जांचा। उन्होंने मतलब अभिलेखों को देखा, उन्होंने पुराने दस्तावेजों को देखा, जो व्यक्ति जीवित थे उन्हें कुछ याद था, या किस कोई जो व्यक्ति मर चुके थे उनकी जीवनी में कुछ लिखा था, अगर कोई दंत कथाएं थी, तो उन्होंने हर प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करके राजतरंगिणी लिखा। और उन्होंने अपने काल तक मतलब जितना पीछे तक मेमोरी, जितने पीछे तक उनको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कश्मीर के प्रारंभिक राजाओं से लेके अपने काल तक के, ये मध्यकाल में किताब लिखी गई थी, पूर्व मध्यकाल में, माफी चाहूंगा, उस काल तक उन्होंने राजाओं का इतिहास लिखा। और इसमें उन्होंने ऐसा नहीं है, चूंकि वो किसी एक राजा के संरक्षण में तो लिख नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या है कि अगर किसी राजा ने गलतियां की थी तो उसमें बताया है कि हाँ ये राजा में ये कमियां थी राजा की। तो एक कल्हण की राज तरंगिणी है, ये एक अपवाद है ये अतिरंजित प्रशस्तियों से। और कल्हण की राज तरंगिणी के बारे में मुख्य परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कल्हण की राज तरंगिणी का एक इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें आप कहेंगे कि हालांकि कल्हण की जो ने जो बुक लिखी है, ठीक है, वो काफी उनके समय के लिए आधुनिक स्रोतों पर आधारित थी, ठीक है, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी, उन्होंने जो जैसा वो उन्हें समझ में आया उन्होंने लिखा, लेकिन और खास करके कल्हण के सकाल और उनके जस्ट पहले का जो काल रहा होगा जब तक के स्रोत थोड़े पुख्ता थे, उस काल तक तो उनका जो इतिहास है वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रारंभिक काल है जिसके लिए वो दंत कथाओं पर निर्भर करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि उस पोर्शन के लिए हम ना एक्सेप्ट कर सकें राज तरंगिणी को। दूसरा, राज तरंगिणी में कई बार क्या है कि अगर कोई बात समझ नहीं आती है कि अच्छा ये घटना कैसे घटी, तो उन्होंने कह दिया कि चमत्कार हो गया। तो हो सकता है कल्हण को लगा हो, एक मध्यकालीन समाज और प्राचीन समाज के लोग चमत्कारों में हो सकता है मानते भी हों, ये तो एक आधुनिक मस्तिष्क है जो एक वैज्ञानिक तरीके से सोचता है और चमत्कारों में नहीं मानता है, तो उसे ये गलत लगेगा कि नहीं चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन अगर एक मध्यकालीन व्यक्ति है तो उसके लिए तो सही हो सकता है। तो हम ऐसे एक काउंटर पॉइंट देंगे कि कई बार वो चीजों को चमत्कारों की सहायता से समझाते हैं, प्रारंभिक राजाओं के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो इतना पुख्ता नहीं है। तो एक बैलेंस ओवरव्यू के तौर तहत आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ राज तरंगिणी जो है बाकी स्रोतों से ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये एक कांस्य अभिलेख है, ठीक है, कॉपर प्लेट है। अच्छा, अगर आप कोई भूमि अनुदान कर रहे हैं तो सोचिए आप कागज पे क्यों नहीं लिख रहे, आप उसको कॉपर प्लेट पे क्यों नहीं लिख रहे, सॉरी कागज पे क्यों नहीं लिख रहे, कॉपर प्लेट पे क्यों लिख रहे। ये भी हो सकता है कि कागज पे भी लिखा हो लेकिन उसका रिकॉर्ड ना बचा हो, ठीक है, वो डिकम्पोज हो गया, कागज खो गया, जल गया, डूब गया, यू नो व्हाटएवर। तो मुख्य कारण है कांसे पे लिखने का कि भाई ये जो है रिकॉर्ड बना रहे, एक दो साल नहीं, 10-50 साल नहीं, सालों तक, ताकि 4-5 जनरेशन बाद या उससे बाद भी जिसे अनुदान दिया गया था उसके वंशज, ठीक है, उस क्षेत्र पे अपना मालिकाना हक जता सकें। तो ये जो दिखा रहा है कि अनुदान दिए गए हैं आपको और क्लॉपर प्लेट पे लिखा गया है, ये भी कहीं ना कहीं सबको संकेत देता है कि जिसे अनुदान मिल गया वो कुछ जनरेशन्स बाद, कुछ पीढ़ियों बाद उस अनुदान वाले क्षेत्र पे जड़ जाता था, कि मतलब अब उनकी जड़ें वहां बन गई हैं और वो भी इस सामंतवादी प्रणाली का एक हिस्सा बन गए हैं। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। अच्छा, एक और चीज है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि लगभग 700 ईस्वी तक जो है कि क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय भाषाएं इत्यादि, इनका जो है विकास हो चुका था। और इसका ऐसे तो इसके कई उदाहरण हैं, लेकिन इसका एक प्रमुख उदाहरण है कि अब जो भूमि अनुदान दिए जाने लगे थे वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे जाने लगे थे। या तो शुरू की कुछ पंक्तियां संस्कृत में लिखी होंगी, बाकी का तमिल में लिखा होगा या किसी अन्य भाषा में लिखा होगा। तो प्रशासन में भी क्षेत्रीय भाषाओं का और एक सुविकसित भाषा का, ठीक है, प्रयोग हो रहा है। इसमें बताया गया है कि हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर, मतलब प्रॉपरली जो क्षेत्र अनुदान में दिया जा रहा है उसको
सही से सीमा निर्धारित की गई है कि छोड़ नहीं दिया गया है कि वहां वाला जो पेड़ है उससे इतने आगे या वहां जो तालाब है, ऐसे नहीं, प्रॉपर डिमार्केट किया गया है उसको। और फिर नीचे की तरफ उनके अधिकार दिए गए हैं कि वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, कपड़ों पर लगने वाला कर, वाहनों पर लगने वाला कर, ठीक है, पकी हुई ईंटों के बने ऊपरी माल पर बने कमरे बनवा सकता है। तो है क्या कि आपको जितनी भूमि अनुदान में दी गई है, ठीक है, अब वो कुछ बीघा जमीन हो सकती है या एक छोटा सा कस्बा हो सकता है, कुछ भी, वो डिपेंड करता है कि आपने बदले में वो अनुदान के लिए भूमि खरीदी है या कोई सेवा दी है, कुछ भी। तो है क्या कि उस क्षेत्र तक आप पूर्णतया स्वायत्त हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख युद्धों की बात की गई है, जैसे कि जो धन और शक्ति के लिए लड़े गए थे। त्रिदलीय संघर्ष हमने देखा, लगभग पूर्व मध्य काल में 200 साल तक चला, कोई निर्णायक फैसला नहीं आया इसमें। हमें इसके सारे के सारे युद्धों को देखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि इसके तीन, इस तीन में जो त्रिदलीय हैं, तो ये तीन साम्राज्य कौन थे, ठीक है, बस इतना ही है। कन्नौज के लिए लड़ाई थी, कन्नौज के लिए लड़ाई इसलिए थी क्योंकि उसका ना सिर्फ आर्थिक महत्व था, उसका एक राजनीतिक महत्व भी था, क्योंकि वो राजधानी थी हर्षवर्धन की। तो उन्हें लगा कि भाई हमसे पहले एक सम्राट हुए जो सकल उत्तरपद स्वामी थे, तो अगर हम उनके उनका जो सीट ऑफ पावर था उससे अगर कैप्चर कर लेते हैं तो ये हमारी जो प्रेस्टीज है, जो हमारी इज्जत है, उसको और बढ़ा देगा। तो उसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस था। उसके अलावा आता है ये गजनी का सुल्तान महमूद। गजनी कहां है? अफगानिस्तान में। ठीक है, मैप में आपको पास, ये सुल्तान थे यहां के, और ये इनका मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना, और इसके लिए इन्हें लगातार युद्ध करना पड़ रहा था अन्य तुर्की कबीलों से, और जैसे कि और कुछ अन्य जैसे कि सेल्जुक टर्क्स वगैरह थे, इनसे लगातार इनका युद्ध वगैरह चल रहा था। तो लगातार युद्ध करने के लिए क्या चाहिए? धनराशि चाहिए, सैनिकों को वेतन देने के लिए इत्यादि। गजनी ऐसी जगह तो है नहीं कि आप कृषि अधिशेष पे कर लगा के या व्यापार पे कर लगा के आप अपना युद्ध लड़ेंगे। तो क्या है कि इन्हें लूट पे ज्यादा निर्भर होना पड़ता था। कई कहते हैं कि लगभग 1000 सीई के आसपास से लेके कई सालों तक उन्होंने लगातार हर साल ये भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख नगरों और खास करके मंदिरों को टारगेट करते थे। कारण यही है कि एक तरफ तो मंदिर एक ऐसी जगह है जहां आपको ढेर सारा धन एक ही जगह पे मिल जाएगा, दूसरा मंदिर जो है वो स्थानीय राजा की सॉवरेनिटी, संप्रभुता का एक चिन्ह है। तो आप अगर उस पर चोट पहुंचाते हैं तो एक तरीके से आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं जिस जनता पे आपने आक्रमण किया है। इन्हीं महमूद ने, इनके एक विद्वान थे अल बरूनी, ठीक है, उन्हें कहा कि भाई आप एक किताब लिखिए, हम जिन जनता पे लगातार आक्रमण कर रहे हैं कुछ उनके बारे में भी कुछ जाने तो सही। तो उन्होंने, वो भारत आए, वो लगभग ऐसा माना जाता है कि वो पूरा भारत तो उन्होंने नहीं घूमा, लेकिन कम से कम उत्तर भारत या पंजाब के आसपास के क्षेत्र में वो रहे। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखी, उन्होंने संस्कृत सीखी, संस्कृत के विद्वानों से, ब्राह्मणों से वार्तालाप किया, और जितना उन्होंने देखा उसके आधार पर उन्होंने किताबुल हिंद लिखा। और किताबुल हिंद अपने समय के मानकों पर देखा जाए तो एक काफी अच्छी इतिहास की किताब है, क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के मुद्दों को देखा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, खाना पीना, हर चीज, और चैप्टर, प्रॉपर चैप्टर दिए हैं कि अच्छा चैप्टर के शुरू में एक प्रश्न से शुरुआत हो रहा है कि क्या भारतीय ऐसा करते थे, क्या भारतीय वैसा करते थे, इसके बारे में अपने ओपिनियन दीजिए वगैरह, और फिर उन्होंने डिटेल में उस चीज को डील किया हुआ है। हालांकि कुछ कमियां भी हैं किताबुल हिंद में, एक कि उनके काल में इतने भीषण आक्रमण होते थे भारत के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, लेकिन उन्होंने कुछ उन आक्रमणों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है।
दूसरा, उन्होंने राजपूत शब्द नहीं क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस काल तक तो हम जानते हैं कि राजपूत काल चल रहा था और कई सारे राजपूत वंश निकल कर आ रहे थे। इसका एक कारण ये हो सकता है कि वो संस्कृत के विद्वानों पर या संस्कृत की पुरानी किताबों पर बहुत निर्भर थे, हाल बजाय कि जो उनके सामने जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान देने के। दूसरा, उन्होंने कुछ अजीब सी बातें लिखी हैं, जैसे कि लिखा है कि भारतीय जो है शराब नहीं पीते थे, भारतीय कभी अपने नख नहीं काटते थे, भारतीय अपने बाल नहीं काटते थे। तो उनकी कुछ बातें जो हैं वो थोड़ी मतलब आश्चर्यजनक भी हैं कि आपको उस पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं हो पाएगा। फिर भी ओवरऑल किताबुल हिंद जो है वो काफी अच्छी किताब है, अरेबिक में लिखी गई थी। तो महमूद के काल तक तो जो है गजनी पर आधारित एक साम्राज्य का निर्माण, जिसे गजनाविद साम्राज्य कहा जाता है, निर्माण हो गया था। इन्होंने क्या किया था कि पंजाब, खास करके सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, पंजाब प्रांत को अपने में मिला लिया था। बाद में ये हुआ कि जो इनके सुल्तान महमूद के जो डिसेंडेंट हुए, जो उनके बाद आए, वो उनका गजनी पे से तो सत्ता खत्म हो गई और बाद में उनके पास पंजाब ही बचा। तो थे अफगानिस्तान से लेकिन हो गए पंजाब के, वो गजनी उनका छूट गया तो पंजाब प्रांत पे वो शासन करने लगे और लगभग 200 साल तक यहां इनका ये शासन चला भी। फिर आते हैं चाहमान, हमने चाहमान बोले या चाहमनास बोले या चौहान बोले, हालांकि आजकल चौहान कहा जाता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जब अंत हुआ तो आपको बताया कि 5-6 अलग अलग क्षेत्रों में कई राजपूत शासक उभर कर आए। उनमें से एक थे चौहान, जो अजमेर क्षेत्र के आसपास से थे, यहाँ इनकी राजधानी थी। तो इन्होंने कुछ समय बाद तोमरों से, जो तोमर वंश के अनंगपाल द्वितीय हैं जिन्होंने दिल्ली की स्थापना की, उनसे दिल्ली जीत ली, तो अजमेर दिल्ली क्षेत्र पे इनका शासन हो गया। लेकिन साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा तो सब में होती है, चाहे धन के लिए हो चाहे शक्ति के लिए हो। तो इन्होंने भी साम्राज्य विस्तार का प्रयास किया। इन्होंने पहले दक्षिण की तरफ गए तो गुजरात के चालुक्यों से इन्हें तीव्र प्रतिस्पर्धा मिली, तो ये दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाए, ये पूर्व की तरफ नहीं बढ़ पाए क्योंकि गढ़वाल जो कन्नौज के थे उन्होंने इन्हें रोक दिया। तो अंत में बचे, इन्हें भी पंजाब की तरफ जाना पड़ा। अच्छा, तब तक पंजाब में एक दूसरे व्यक्ति मोहम्मद गौरी, इनका शासन हो चुका था और ये दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच संघर्ष हुआ, जो तबर हिंद वर्ड कहा, आज के टाइम में जिसे भटिंडा कहा जाता है, यहाँ एक बहुत ही प्राचीन किला है। इस क्षेत्र के लिए लड़ाई हुई, कहाँ लड़ाई हुई, तराइन, दो लड़ाइयाँ हुई। एग्जैक्ट डेट, हालांकि ये मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास में इन तारीखों को बहुत याद किया जाता है, इन दो सालों में युद्ध हुआ और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो गई गौरी के हाथों। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत गए, दूसरे में गजनी लौट के आया और दूसरे में उसने पराजित, सॉरी गौरी लौट के आया और उसने पराजित कर दिया। दरअसल हुआ यूं था कि जैसे जिस प्रकार से महमूद गजनी ने कोशिश की थी, सुल्तान महमूद गजनी ने कोशिश की थी कि उन्हें भी मध्य एशिया में साम्राज्य बनाना था और इसके लिए वो धन जुटाने के लिए भारत आते थे सालाना अपने लूट के रेड पे, वैसे ही मोहम्मद गौरी का भी प्रयास था। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो गई कि उन्होंने पहले गलत दिशा से आक्रमण कर दिया, वो सिंध होते हुए गुजरात की तरफ बढ़े और हार गए स्थानीय शासक के हाथों। तो उन्हें लगा, नहीं, अगर भारत पे हमें लगातार आक्रमण करना है या आगे चल के भारत के ऊपर साम्राज्य भी स्थापित करना है तो पहले पंजाब जीतना होगा। और इस वक्त पंजाब जो था वो गजनवी वंश के शासकों के हाथ में था, सुल्तान महमूद के वंशज, जो अफगानिस्तान खो चुके थे क्योंकि मध्य एशिया में जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा था, तो वो पंजाब में सेटल हो गए थे। तो इन्होंने, गौरी ने कहा कि नहीं, पहले हम इनको हरा देंगे, इनसे पहले पंजाब ले लेते हैं और पंजाब से फिर हम दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्रम में गौरी और चौहानों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ, बट दो युद्ध हुए तराइन में और वो हार गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन है इस काल के। मुख्य परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि पूर्व मध्यकाल के इतिहास के स्रोत के रूप में अलबरूनी के किताबुल हिंद का मूल्यांकन कीजिए। तो आप बताएंगे क्या विशेषताएं हैं, अरबी में ये किताब लिखी गई थी, क्या विशेषता है कि काफी रैशनल तरीके से
अलग अलग मुद्दों को डील किया गया है, समाज के बारे में काफी जानकारी देता है, धार्मिक मान्यताओं के बारे में काफी जानकारी देता है, रीति रिवाजों के बारे में काफी जानकारी देता है। हालांकि जैसे कि गजनी कहते हैं, सॉरी अलबरूनी कहते हैं कि भारतीयों का जो विज्ञान है वो प्राचीन है और काफी परिष्कृत है, लेकिन अभी जो भारतीय हैं जो उनके समय में थे ये मतलब थोड़ा इनकी जो विकास की दर है वो कम हो गई है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा मतलब इस बात को नहीं मान रहे हैं, ये बाहर के लोगों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, इन्हें ऐसा लिखा गया है कि इन्हें लगता है कि इनका राजा ही सबसे महान राजा है, इनका धर्म ही सबसे महान धर्म है, ऐसी कुछ बातें भी। अब हो सकता है ये उनका बायस हो। तो उन्होंने क्या है कि समाज वगैरह के बारे में काफी पॉइंट लिखे हैं, लेकिन कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं जो हमने अभी बताया था, तो ये सब पॉइंट मेंशन करके अब बताएंगे कि हालांकि उस समय के आधार पर एक आप एक मत एक प्रॉपर सोच के साथ अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो ये एक आपके लिए अच्छा स्रोत हो सकता है। इसके बाद हम सुदूर दक्षिण की ओर चलते हैं और बात करेंगे पूर्व मध्यकाल के और भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंशों या साम्राज्यों में से एक, चोल राज्य की। ठीक है, देखिए इनकी राजधानी थी तंजावुर। जो ये जो चोल हुए ये मौर्योत्तर काल के चोलों से इनका क्या रिलेशन था इसके बारे में हम सर्टेन नहीं है। हालांकि पूरी मध्यकाल के चोल बताते थे कि हम जो मुवेंदर जो तीन मुखिया हैं उनमें जो चोल मुखिया थे उनसे ही जुड़े हुए हैं, वंशावली लगातार चली आ रही है, लेकिन हो सकता है ये भी एक मूलक मिथक हो, है ना। हो सकता है कि जैसे ब्रह्मक्षेत्र की अवधारणा है, चाहे पर प्रतिहार होने की अवधारणा है, हो सकता है ये अवधारणा हो सकता है ये वाकई में उनसे जुड़े हुए हो। तो हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि पूर्व मध्यकाल के चोल और उत्तर मौर्योत्तर काल के जो मुवेंदर चोल थे तीन मुखियाओं में से एक, उनका क्या रिलेशन है, लेकिन वो अपने आप को उनके वंशज ही बताते थे। जो मदुरई है ये पांड्यों की राजधानी थी। ठीक है, गंगाईकोंड चोलपुरम ये चोलों ने इस मंदिर नगर का निर्माण कराया था। कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी थी, कुछ समय तक चोल पल्लवों के अधीन थे। और कुछ जैसे कि वनवासी है ये क्षेत्र है कदम्बों का था। ठीक है, ककातिया, वेंगी, दक्षिण कलिंग ये क्या है, इन क्षेत्रों में स्थानीय राजा तो थे जो अधीनस्थ थे चोलों के, इन्होंने चोलों का स्वामित्व स्वीकार किया था। जैसे कि आपको याद हो प्रयाग प्रशस्ति में हमने देखा था कि समुद्रगुप्त ने अपने आसपास के राजाओं के राज्य को तो मिला लिया गुप्त साम्राज्य में, लेकिन उसके जैसे जैसे दूर गए गुप्त आर्यव्रत से तो वो साम्राज्य का विलय नहीं कर, उन राजाओं का विलय नहीं करते थे, उन्हें शासन करने देते थे जब तक वो उनकी अधीनस्थता स्वीकार करें। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इस बात का भी सामंतवाद के विकास पे कुछ असर था कि राजा जो है किसी राजा को पराजित करने के बाद उसके राज्य को पूर्णतया मिला नहीं लेते थे, उसे अपना अधीनस्थ बना लेते थे। तो वो भी राजा था, वो महासामंत हो गया, अपने आंतरिक मामलों में वो पूर्णतया से स्वतंत्र है, लेकिन उसे समय समय पर जो है नजराना भेजना है, सैन्य सहायता करनी है, वैवाहिक संबंध स्थापित करने हैं सम्राट से इत्यादि। तो ये भी हो सकता है कि सामंतवाद में इसका कुछ हद तक योगदान रहा हो। ठीक है, इनके राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो विजयालय, और अगेन यहां आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऊपर ऊपर से समझ लेना है कि विजयालय उरेयुर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार से थे। मुख्य नहीं, जो मुखिया आपको याद हो, जो हमने एक शब्द कहा था मुवेंदर, तीन मुखिया जिनका संगम साहित्य में बार बार नाम आता है, और उनकी राजधानी उरेयुर ये जो उनकी राजधानी थी, तो ये उनसे संबंधित थे। ठीक है, ऐसा हमें कैसे पता चला, ये अपने अभिलेखों में कहते हैं कि भाई मेरा जो है मैं उनका वंशज हूं, अभिलेखों में ऐसा बताया है। उन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में मट्टुरियारों को हराकर कावेरी डेल्टा कब्जा लिया। कावेरी डेल्टा मतलब ये क्षेत्र। ठीक है, ये जो क्षेत्र है कावेरी नदी का ये, ठीक है, स्वाभाविक है जो डेल्टा जो क्षेत्र है वो बहुत उपजाऊ होगा। क्यों? क्योंकि यहां नदी जो है
आपको अगर भूगोल में याद हो कि नदी जब थोड़ी ऊंचाई पर होती है तो वो कटिंग इरोजन करती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी एरियाज में आती है तो उसकी गति कम हो जाती है, तो कटिंग नहीं फिर डिपोजिशन करती है, इरोजन नहीं डिपोजिशन करती है, तो वो जो भी अपने साथ सेडिमेंट लेके आएगी वो बार बार अपने आसपास के और कई चैनल बन जाते हैं कि यहां तक तो एक नदी है लेकिन यहाँ पे ढेर सारे चैनल हैं, क्योंकि नदी की क्या होती है कि दरअसल नदी की रफ्तार कम हो जाने की वजह से अब वो जितना भी सेडिमेंट कैरी कर रही है अपने साथ तो उस वजन को वो नहीं ढो सकती, तो वो धीरे धीरे उसको ड्रॉप करने लगती है। तो उसकी वजह से नदी की एक धारा की जगह, अब मान लीजिए कि ये नदी की एक धारा है और यहीं पे बीच में सेडिमेंट ड्रॉप करने लगी, तो क्या है कि अब दो धाराएं बन जाएंगी धीरे धीरे, पहले एक थी अब दो बन जाएगी और वहां से दो से तीन, और सिर्फ ये इसके ही क्षेत्र कावेरी के बारे में ही नहीं, आप कोई भी नदी को देखिए, कोई भी नदी के मुहाने पे ये डेल्टा बन जाता है। कारण यही है कि अब वो यहाँ पे अपना सेडिमेंट ड्रॉप कर रही है। ठीक है, आप गंगा के बारे में देखेंगे तो गंगा का भी डेल्टा है, यहां पर आप कृष्णा महानदी का क्षेत्र देखिए, ये यहां पे डेल्टा है, यहां पर डेल्टा है। नर्मदा वगैरह में नहीं है क्योंकि नर्मदा एक रिफ्ट वैली में से बहती है, आपको भूगोल में ध्यान होगा कि रिफ्ट वैली वगैरह क्या होती है, तो यहां भूगोल नहीं चालू करते। तो क्या है, कावेरी डेल्टा का क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। होता क्या है कि चूंकि डेल्टा में इतनी सारी उसकी शाखाएं होती हैं नदी की, और सालाना बारिश होगी तो बाढ़ भी आएगी, पानी अगर अपने जो चैनल है उससे बाहर जाएगा तो वहां पे भी जो वो सेडिमेंट है, क्ले जो सिल्ट है उसको डिपॉजिट करेगा, तो इसे क्या है कि वो क्षेत्र कम से कम बहुत उपजाऊ हो जाता है। उन्होंने फिर तंजावुर शहर का निर्माण किया और वहां देवी निशुंभ सुदिनी का मंदिर बनाया। देखिए, नया शहर मंदिर के आसपास, तो क्या है अपनी वैधता के लिए, पहले तो एक आर्थिक चीज पे ध्यान दिया कि भाई पहले राज्य की आय सुनिश्चित की जाए और फिर वैधता पाई जाए, उसके लिए क्या करेंगे नगर, और बेसिकली एक मंदिर के आसपास नगर को विकसित कराया गया, वहां पे अपना भी राजमहल वहीं होगा। फिर विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। ठीक है, हुआ एक इस समय में उन्होंने क्या हुआ कि धीरे धीरे पल्लवों के, पहले वो अधीनस्थ थे और फिर उन्होंने पल्लवों को भी हराना शुरू कर दिया कि भाई अब हम आपके अधीनस्थ नहीं है, अब हम स्वतंत्र हैं। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। विजयालय के बाद और भी कुछ राजा आए लेकिन उनमें एक प्रमुख थे राजराज प्रथम। इन्होंने ही थंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। स्वाभाविक है, जब एक छोटा सा राज्य साम्राज्य बनता है तो आपको प्रशासनिक पुनर्गठन की आवश्यकता होती है। आप क्या करते हैं, केंद्रीय स्तर पर ज्यादा मंत्री लेके आते हैं, नए विभाग बनाए जाते हैं, नए मंत्री आते हैं, प्रांतीय प्रशासन को सुव्यवस्थित किया जाता है कि भाई पूरे राज्य, इतने बड़े राज्य पे कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पहले प्रांतीय प्रशासन लगाएंगे, फिर और नीचे जो ब्लॉक स्टेट के नीचे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला स्तर पे प्रशासन को स्थापित करेंगे, जिला से ब्लॉक इत्यादि। चोल साम्राज्य में ये था कि गांव के स्तर पर जो है स्थानीय स्वशासन था, तो कैसे उन संस्थानों के साथ राज्य के संबंध बनाए जाएं, कैसे राज्य उनके ऊपर निगरानी भी रखे बिना उन्हें बिना उन स्वशासन के इकाइयों को नुकसान पहुंचाए, तो इन मामलों को ध्यान में रखते हुए राजराजा प्रथम ने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। इन चीजों को हम डिटेल में तब देखते हैं जब हम इतिहास को वैकल्पिक तौर पे बढ़िया तरीके से लेते हैं, तब वहां पे चोलों के बारे में एक बड़ी क्लासिकल डिबेट है। एक तरफ जो है वो कहते हैं कि ये बहुत ही केंद्रीकृत राज्य था, एक इतिहासकार ये कहते हैं, दूसरी तरफ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, चोल सम्राटों के पास कोई अधिकार नहीं था। तो उस पॉइंट पे अभी आते हैं। फिर राजराज प्रथम ने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों के लिए एक नौसेना भी बनाई थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय एम्पायर पे मतलब हमला किया था। माना जाता है कि चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो समुद्री यातायात का जो मार्ग था, जो मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, उस क्षेत्र पर काबू पाने के लिए, देखिए
जो तमिल व्यापारी हैं वो आज से ही नहीं, आपको कुछ समय पहले याद हो तो जब भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की शिखर वार्ता हुई थी महाबलीपुरम में, तो उस समय अखबारों में कई बार ये आता था कि जो तमिल व्यापारी थे वो बहुत लंबे समय से चीन के जो जो तटीय इलाकों के बंदरगाह हैं वहाँ उनकी बस्तियां मिली हैं, कहीं कहीं पे मूर्तियां भी मिली हैं देवी देवताओं की। तो चीन के साथ, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, कोरिया जापान के साथ व्यापारिक संबंध रहे हैं। तो हो सकता है उसी क्रम में, चूंकि दक्षिण पूर्व एशिया इसके बीच में आता है, तो श्री विजय एम्पायर, उन्होंने हो सकता है कि कोई कोई व्यापार को लेके कुछ कुछ उन्होंने चाहे अड़ंगा लड़ाया हो या चाहे उन्होंने कोई समझौता हुआ हो, कोई करार हुआ हो, उसको उन्होंने ना माना हो, तो कोई भी कारण है, हो सकता है। बट इतना पता है कि उन्होंने एक नौसेना के थ्रू दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया था। और चोल इतने प्रमुख थे कि आज के टाइम में आप वर्ड सुनते हैं कोरोमंडल, जो भारत का पूर्वी तट है, सबसे नीचे आता है कोरोमंडल, फिर नॉर्दर्न सरकार, फिर आप आते हैं बंगाल की तरफ। तो ये नॉर्दर्न सरकार जो वर्ड है, ये दरअसल कॉलोनियल पीरियड में, उपनिवेशवाद के समकाल में डेवलप हुआ है, लेकिन जो कोरोमंडल वर्ड है ये चोला मंडल से निकल के आया है। मींस ये जो चोलों का जो मेन क्षेत्र था, जो कोर था, वो था ये, वहां से फिर उसका वो करप्ट वर्ड करप्ट होते होते कोरोमंडल में बदल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चोल मंदिरों और कांस्य मूर्तिकला के बारे में। देखिए, जब हम ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, किसी चोल, चाहे चोल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं या राष्ट्रकूटों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी मजबूरी यह है कि हम उतना ही कवर कर सकते हैं जितना इस वक्त बुक में दिया गया है। तो दरअसल होना ये चाहिए था कि चोलों के का जो राजनीतिक इतिहास है उसको थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से बताएं, चोलों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको थोड़ा और तरीके से बताएं, उसमें सामंतीकरण था कि नहीं, किस हद तक था, नगरीकरण की क्या स्थिति थी, व्यापार वाणिज्य निर्यात आयात इनकी क्या स्थिति थी, समाज के अलग अलग वर्गों की क्या स्थिति थी, इन बारे में थोड़ी बात होनी चाहिए। लेकिन जो टॉपिक इस बुक में दिया गया है हम इस वक्त उतना ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, मंदिर अपने आसपास के विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन जाते थे, और स्वाभाविक है ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिरों को राजाओं, सामंतों और अन्य संरक्षकों के द्वारा भारी मात्रा में भूमि अनुदान दिया गया। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, पुरोहित, मलकार, बावर्ची, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ये स्टेटमेंट के बेसिस पे एक प्रॉपर क्वेश्चन बना है मीन्स मुख्य परीक्षा में, और उसका आंसर जो है इस प्रीवियस पैराग्राफ के बेसिस पे आप देख सकते हैं। ये देखिए, आपको पता ही था, हम पहले भी बताया गया था कि मंदिरों को भी काफी भारी मात्रा में भूमि अनुदान मिलते थे। दो तीन चैप्टर बाद जब हम शासकों और आर्किटेक्ट रूलर्स शासक और स्थापत्य कला के बीच के संबंधों को देखेंगे, तो वहां हम देखेंगे कि जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसे बनाना कितना मुश्किल था, उसमें कितना खर्च हुआ होगा, और फिर उसके रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए भी खासा मात्रा में धन लगता होगा। तो वो धन कहाँ से आएगा? भूमि अनुदान के जरिए। और स्वाभाविक है, मंदिर में इतने प्रकार के कर्मचारी काम करेंगे, मंदिर से जुड़ी इतनी प्रकार की चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, इतने उत्सव होंगे, उसके उत्सवों से जुड़े हुए लोग उसके आसपास आके रहेंगे। राजा है वो भी, राजा जब मंदिर अपनी ही राजधानी में बना रहा है तो कुछ दूरी पे राजा का महल वगैरह भी होगा। ठीक है, सैनिक भी वहीं आसपास रहेंगे, अगर आर्थिक गतिविधि हो रही है तो व्यापारी आएंगे, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स होगा। तो इन कारणों से जो है टेम्पल एक मंदिर नगर आप कह सकते हैं, टेम्पल टाउन, जैसे कि शिरडी एक उदाहरण ले लें। ठीक है, तो वो कोई आर्थिक कारण से तो नगर नहीं बना, वहां कोई उद्योग नहीं था, ना ही वो किसी प्रमुख राजा की राजधानी था। यहाँ तो खैर राजा का महल फिर भी पास में है, अगर कोई राजा भूमि अनुदान देके बनवा रहा है तो। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है, जैसे कि अजमेर की दरगाह है, ठीक है, तो ऐसी कई जगह हैं जो मतलब अपने धार्मिक कारणों से नगर बनकर उभरी हैं, तो उन ये मंदिर भी ऐसे ही इस प्रकार से नगरीकरण को प्रोत्साहित करते थे। वैसे ही चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी,
मंदिरों में राजाओं और रानियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई थी, इसका हम उदाहरण बाद में देखेंगे। एक जो नटराज की मूर्ति आप जहां भी दुनिया में कहीं भी देखें, और नटराज की मूर्ति तो इतनी फेमस है कि जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है यूरोप में, जो सर्न चलाता है वहां पे, जहां पे वो गॉड्स पार्टिकल हिग्स बोसॉन वगैरह की खोज हुई और आज भी चल रहा है, उनका जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर नटराज की मूर्ति लगाई हुई है, उनका जो कॉस्मिक डांस वाला पोज है उसमें। तो नटराज की मूर्ति का जो एक जो प्रोटोटाइप है, जो सबसे मेन आप जहां भी उसको देखते हैं, वो इस काल में डेवलप हुआ था। इतिहासकारों के बीच में ये थोड़ा विवाद है कि पहले ये मूर्ति कला के तौर पे विकसित हुआ या कांस्य प्रतिमा के रूप में विकसित हुआ। हालांकि जो पोज है नटराज का, उससे बताया जाता है कि ये मूर्ति का जो, जैसे कि एक जगह पे उनका घुटना मोड़ा हुआ है, तो बताया गया है कि ये मूर्ति या पत्थर से नहीं बन पाएगा ये, तो ऐसा है कि ये हो सकता है पहले कांस्य में बनी हो। और एक तरीका होता है कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं, तो उसके बारे में गूगल पे पढ़ लीजिएगा कि कैसे एक खांचा होता है, उसमें पहले, मतलब पहले खांचा बनाया जाता है और फिर उसमें तांबे कांसी को, पिघले हुए कांसी को भरा जाता है और फिर कैसे वो मूर्ति बनती है। यहां पे बृहदेश्वर मंदिर, देखिए दो बृहदेश्वर मंदिर है, एक थंजावुर में है, ये राजा राजा प्रथम में बनाई थी, और एक गंगाईकोंडा चोलपुरम में है। यहां गंगाईकोंडा चोलपुरम दो क्यों है? क्योंकि पहले राजराजा प्रथम ने तो प्रशासन, उन्होंने साम्राज्य विस्तार किया, एक मंदिर बनवाया, उनके बाद जो राजेंद्र प्रथम आए और उन्होंने गंगा घाटी की तरफ भी अभियान किया। आपको याद हो तो समुद्रगुप्त ने एक कोस्टल एरिया के थ्रू, वाया वेस्ट बंगाल उड़ीसा के थ्रू दक्षिण अभियान किया था, उसी रास्ते का प्रयोग करके राजेंद्र प्रथम ने भी उत्तर भारत की ओर अभियान किया और कई राजाओं को हराया, उनकी सेनाओं को हराया, और गंगा का मतलब घड़ों में, कई सारे घड़ों में पानी भर के लाए, एक नए नगर गंगाईकोंडा चोलपुरम, यानी कि इस क्षेत्र को जीतने वाला, गंगा के को जीतने वाला व्यक्ति, ऐसे उस नाम से उन्होंने नया शहर बसाया, वहां भी बृहदेश्वर मंदिर बनाया। हालांकि थंजावुर का जो मंदिर है वो ज्यादा फेमस है, और उस मंदिर के सामने उन्होंने एक कृत्रिम तालाब बनाया जिसमें गंगा से लाए हुए उन्होंने मतलब पानी को से गंगा से लाए हुए पानी से उन्होंने कृत्रिम तालाब बनाया था। तो दो मंदिर हैं एक्चुअली। देखिए हमने छठी क्लास के अंतिम चैप्टर में मंदिरों के बारे में हल्की सी बातचीत की थी, उसमें एक बात ध्यान रखने जैसी है कि मंदिर एक कालक्रम है उसके आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के विकास का, ठीक है। दूसरा उसमें क्या है कि उसके अलग अलग जो फीचर्स हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं, उसको धीरे धीरे जोड़ा गया। पहले क्या था कि सीधे मंदिर, चार दीवारियां और उसके अंदर मूर्ति पूजा के लिए, जैसे कि भक्तिवाद जब शुरू, भक्ति शुरू हुआ और देवी देवताओं का मूर्ति के रूप में आराधना शुरू हुई। अच्छा, बुद्धिज्म में भी, बोधिसत्व और बुद्ध की महायान पंथ में, हिंदुइज्म में भी देवी देवताओं की एक लगभग लगभग मौर्योत्तर काल में ये शुरुआत हुई थी। इसी काल में आपको जो है गांधार कला और मथुरा कला और अमरावती कला की बात होती है। तो पहले देवी देवताओं की मूर्ति के स्वरूप में पूजा शुरू हुई, तो आप उसे घरों में भी कर सकते हैं और आप मंदिरों में भी कर सकते हैं। तो इस काल से मंदिर निर्माण की बात शुरू हुई, लेकिन जो मौर्योत्तर काल के मंदिर थे वो हो सकता है लकड़ी के रहे हों, क्योंकि अभी तो हमें उस काल के किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिलते हैं। जो सबसे पुराने अवशेष मिलते हैं वो गुप्त काल से हैं, पत्थर के मंदिर हैं, ईंटों के मंदिर हैं। शुरू शुरू के मंदिर काफी सामान्य थे, सिर्फ एक चार दीवारें होंगी, उसमें प्रतिमा होगी इष्ट देव की, छत है वो सपाट होगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक चबूतरे के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बनाया गया, मंदिर के आसपास मंदिर की जो छत सपाट थी, फिर उसमें शिखर आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि आसपास एक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया, ठीक है, फिर उसमें मंडप ऐड किया गया। धीरे धीरे जो उसके द्वार थे वो ज्यादा ग्रांड होने लगे, ठीक है, ज्यादा विशाल होने लगे। फिर मंदिर की बाहर की दीवारों पर कुछ कलाकृति, शिल्पकारी की जाने लगी, जैसे, और फिर धीरे धीरे अंदर की दीवारों पर भी वो अलग अलग स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में दिखाया गया है। तो ऐसे करके एक एक करके जो है नए नए एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स जो है वो मंदिर स्थापत्य कला में ऐड होते गए हैं। और पूर्व मध्यकाल आते आते तीन बराबर की महत्वपूर्ण मंदिर स्थापत्य कला के जो परंपराएं हैं वो निकल कर आई। पहली
नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, ये था उत्तर भारत में था। फिर था विसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो आपको कर्नाटका क्षेत्र में है, इसका इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वो चालुक्यों का है और उनके बाद कदम्बों वनवासी होयसलास का है मध्यकाल में, या कदम्ब जो शासक थे उनका योगदान है। और जो दक्षिण भारत में है उसमें चोलों का पल्लवों का योगदान है द्रविड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में। नगरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी कई सारे जो सब स्कूल हैं, जैसे कि उड़ीसा का है, राजपूत स्टाइल है, गुजरात स्टाइल है, आपका कश्मीर और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ जो है उनका अलग स्टाइल है, एक बंगाली स्टाइल है। तो ये क्या है कि स्थानीय जो स्थानीय विशेषताओं के आधार पे, जैसे कि कश्मीर में या पहाड़ों पे क्या है, बर्फबारी होती है, तो बड़ा जरूरी है अगर बर्फ लगातार जमा होगा मंदिर की छत पे तो क्या है कि वो ज्यादा लोड बढ़ता जाएगा और वो नुकसान करेगा स्थापत्य कला को। तो एक तरीके से ऐसे जैसे घरों में बनाया जाता है, एक ऐसे इस शेप का छत होगा ताकि बर्फ गिर जाएगी अगर ऊपर डलेगी, तो ऐसे स्थानीय स्थितियों को देखते हुए अगर कोई क्षेत्र है जहां पानी की कमी है तो मंदिर के प्रांगण में तालाब होगा, जैसे कि गुजरात में जो शैली है, ठीक है। तो वैसे अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ है। चोल काल तक जो है द्रविड़ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर बहुत ही विकसित हो चुका था, परिष्कृत हो चुका था। सबसे नीचे जो है गर्भगृह है, लेकिन ये भी कोई छोटा स्ट्रक्चर तो है नहीं, ठीक है, बहुत ही विशाल का स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जो है, देखिए थोड़ा नाम में अंतर आ जाता है, जो नगाड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जिसे शिखर कहा गया है इस क्षेत्र को, उसे द्रविड़ स्कूल में विमान कहा गया है, ठीक है। शिखर वो फिर इतने को ही कहते हैं, ऊपर जो टॉप स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पर है ये आपका मंडप है, जो आप अगर सीढ़ी चढ़ के जब जाते हैं प्रदक्षिणा पथ की तरफ तो उस क्षेत्र मंडप है वहां पे। आगे चलकर अर्ध मंडप डेवलप हुआ, ठीक है, जो प्रदक्षिणा पथ और मंडप के बीच में होगा। विजयनगर काल में एक और फीचर ऐड हुआ जिसे कल्याण मंडप कहते थे। कल्याण मंडप में क्या होता था कि आपको वहां पे देवी देवताओं के अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कोई त्योहार है या कोई उत्सव मनाना है तो वो कल्याण मंडप में किया जाएगा। रामायण वगैरह महाभारत के कुछ पाठ होंगे या कोई वहां पे नाटक होगा तो वहां पे किया जाएगा। दूसरा, अब अगर इतना लंबा पेवेलियन है तो उसे आप दीवालों को कोरा तो छोड़ नहीं सकते, चाहे बाहर की दीवार हो अंदर की दीवार हो, तो दीवालों में कोने में जो नीच बना के वहां पे जो है अलग अलग मूर्तियां रखी जाएंगी, अलग अलग शिल्पकारी की जाएगी। कई बार प्लास्टर पत्थर के ऊपर शिल्पकारी मुश्किल है तो प्लास्टर लगा दिया, फिर प्लास्टर में ऊपर शिल्पकारी कर दी, तो क्या धीरे धीरे स्थापत्य कला का विकास हुआ है। फिर इस तरफ आप देखेंगे, देखिए यहां पर एक पेवेलियन दिखाई देगा शायद जिसपे छोटे मोटे फंक्शंस होते होंगे। फिर यहां जो है आपको एक गोपुरम दिखाई देगा, ठीक है, जो मेन कंपाउंड के बाहर एंट्री है और यहां से दिख नहीं रहा है, एक्चुअली कंपाउंड के अंदर एक लेक भी है और फिर बाहर एक और एंट्रेंस गेट है, गोपुरम है एक और। तो दो क्यों? दरअसल ये कि हमने देखा कि मंदिर से जुड़े हुए जो नगर थे, मंदिर के आसपास के नगर थे, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे या मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही थी, तो क्या है कि आपको फिर एक नया आउटर वॉल चाहिए। नया आउटर वॉल चाहिए तो आपको एक और गोपुरम चाहिए, लेकिन अब वो पिछले वाले से छोटा नहीं होगा, पिछले वाले से बड़ा होगा। बड़ा होते होते ये हो जाता है कि कुछ खास करके मध्यकाल के कुछ मंदिर हैं वहां तो जो गोपुरम के ऊपर जो अपने विमान बनाया हुआ है वो गर्भगृह के ऊपर जो विमान बना है उससे ज्यादा ऊंचा है, ताकि इससे फायदा क्या है कि अगर कोई किलोमीटरों दूर से आ रहा है तो उसे दिखाई भी देगा कि अच्छा मंदिर इस तरफ है। तो ऐसे धीरे धीरे स्थापत्य कला का विकास हुआ है। और तब तक दरअसल जो मंदिर भक्ति काल से शुरू हुआ था वो अब जो है राजा की वैधता के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो चुका था, राज्य की वैधता के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपकरण हो चुका था इसके। अब इसमें दरअसल आचार्यों का क्या योगदान है, आरंभिक भक्ति संत जो हैं अलवर नैनर तमिल क्षेत्र के, उनका क्या योगदान है, इनको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये चोल स्थापत्य, ये मूर्तिकला के उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि ये शायद किस राजा रानी की मूर्तियां हैं, ठीक है, और इन्हें कई बार मंदिरों में भी रखा जाता था। और दरअसल इन्हीं कारणों से
चूंकि राजा रानी की आप मूर्ति मंदिर में रख रहे हैं, इस कारण से कुछ विद्वान हैं, खासकर के विद्वान थे बर्टेनस्टीन, उन्होंने कहा था कि भाई जो चोल सम्राट थे उनकी उनकी वास्तविक शक्ति बहुत कम थी, उनके पास जो है प्रशासन कम, जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो काफी कम रहे होंगे, सेना छोटी रही होगी या कमजोर रही होगी, वो अपने सामंतों पर निर्भर करते होंगे। दूसरी तरफ जो है वो इतना कहते हैं कि नहीं, चोल सम्राट जो है वो बहुत ही केंद्रीकृत था, बहुत ही सुसज्जित था, बहुत विशाल सेनाएं थी। इन दोनों अति बिंदुओं के बीच में आप कुछ सामंतीकरण की भी बात करते हैं, तो ऐसे जो चोल राज्य का जो स्वरूप है उसको लेके कई डिबेट्स हैं जो मतलब हायर स्टडीज में देखा जाएगा। कृषि और सिंचाई, देखिए हमने बात की कि वहां पे थोड़ी सी बात करके छोड़ दिया था कि कैसे विजयालय ने कावेरी डेल्टा पे पहले अधिकार किया, कोई और वहां पे सामंत थे उनको हरा दिया, कावेरी डेल्टा पे अधिकार किया और फिर वहां से जो है चोल राज्य का विकास शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्टली हिंट किया था कि भाई इसमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण है, कृषि का विकास और उसके कारण जो बाकी प्रकार की आर्थिक प्रगतियां होती हैं उसका महत्व है, तो उसको हम यहां देख रहे हैं कि कृषि और सिंचाई। कृषि में हुए नए विकास ने चोल राज्य और समाज की समृद्धि में योगदान दिया। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर पांचवी या छठी सदी में आकर ही कावेरी डेल्टा में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। देखिए अगर कोई डेल्टा क्षेत्र है, एक नदी है, उसके कई सारे मतलब ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज के भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, तो क्या है कि हर साल सालाना उनका जब पानी का लेवल ऊपर आएगा और वो अपने चैनल से बाहर आके आसपास के क्षेत्रों में पानी थोड़ी देर के लिए जाएगा और वो वहां पे सेडिमेंट ड्रॉप करेगी, तो वो उस क्षेत्र को तो काफी उपजाऊ बना देगा, लेकिन ये बात तो हो गई कि जो उसका नदी का चैनल है उसके एकदम नजदीक के क्षेत्रों के लिए वहां से पानी को, और क्योंकि उतने क्षेत्र में तो आप मात्र खेती नहीं कर सकते, दूसरी प्रॉब्लम भी है कि हर साल बाढ़ आ रही है तो हर खेत डूब जाएगा हर साल, ये भी अच्छी बात नहीं है, तो पहले एक आपको उसको भी जो स्थानीय बाढ़ है उसे भी रोकना है और पानी को दूर दूर भी ले जाना है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए गए थे कि कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मानव आबादी या बस्ती नहीं है, कोई कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है लोकल इकोलॉजी के साथ, तो काफी घने जंगल होंगे वहां पे क्योंकि वो उस प्रकार का क्षेत्र है। माना जाता है कि गंगा यमुना का जो आपका जो ये पाथ है हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ भी मतलब काफी घना जंगल रहा होगा कृषि और खास करके लोहे के उपकरणों पर आधारित कृषि के आने के पहले। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाके में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण करना था। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, हालांकि कुएं कमी क्षेत्रों में खोदे गए, दक्षिण भारत का जैसा जो जियोलॉजी है, जो वहां का जो रॉक स्ट्रक्चर है उसमें आप नहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कृत्रिम तालाबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुओं का थोड़ा आप जो मतलब ऐसे क्षेत्र हैं जो गंगा यमुना का दुआब है, जहां जो मिट्टी है वो आप जो अलूवियल प्लेन्स जो बोलते हैं, ऐसी जगहों पर जो है वहां पे कुएं खोदे जा सकते हैं ज्यादा आसानी से। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अभी हाल ही में जब भारत के प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कुछ प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया था जब वो उस राज्य की के दौरे पे थे, तो उसमें से एक ग्रैंड एनिकट कनाल सिस्टम की भी बात थी, आई थिंक मैं नाम सही बोल रहा हूँ। तो कहा जाता है कि इस ग्रैंड एनिकट कनाल सिस्टम का एक भाग, कम से कम एक भाग जो है वो चोलों के समय में ही बना दिया गया था। तो कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, हमने आपको याद हो तो प्राचीन भारत का जब हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी, तो हमने वहां पे एक छोटा सा एक्सरसाइज किया था कि कैसे मतलब सिंचाई के काम में कैसे राजा प्रोत्साहित करता है, कैसे वो निवेश करता है, स्थानीय स्तर के लोग कैसे उसमें सहायता करते हैं, कैसे अपने लेबर श्रम के थ्रू योगदान करते हैं, और कैसे इससे फिर राज्य को भी फायदा है और कैसे स्थानीय आमदनी में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या है, श्रम और संसाधनों को जुटाना होगा, सालाना देखरेख करनी होगी कि बना के छोड़ दिया नहीं, सालाना उसकी डिसिल्टिंग भी करनी होगी ना, देखरेख करना होगा, कहीं अगर टूट फूट हो गई तो रिपेयर करना होगा, और यह तय करना होगा कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाता है।
दरअसल हमें कुछ ऐसे अभिलेख भी मिले हैं जिसमें ये वर्णन किया गया है कि देखो इस नहर से आने वाले पानी को इस तरफ मोड़ा जाएगा, इतना इसे मिलेगा, इतना इसे मिलेगा, क्योंकि स्वाभाविक है पानी को लेकर काफी झगड़े होते हैं। तो जैसे ही भूमि अनुदान कई सालों तक याद रखा जा सके, इसलिए कॉपर प्लेट पर या कांसे के प्लेट पर लिखा जाता था, वैसे इसे भी लिखा जाता था। शासकों के साथ गांव में रहने वाले लोगों ने भी इन गतिविधियों में सक्रिय रुचि ली, और गांव जो है दो प्रकार के थे, जिनमें एक में सभा का शासन था, एक में उर का और चोल राज्य। तो अब यहां इन तो पहले हमने देखा कि भाई राज्य का विकास हुआ जब कृषि अधिशेष पर आधारित आर्थिक प्रगति हुई। इस आर्थिक प्रगति में राज्य ने भी रुचि ली और स्थानीय लोगों ने भी रुचि ली। अब इसलिए अब हम देखेंगे कि स्थानीय लोगों की क्या स्थिति थी। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है, जैसे कि वेलन वगई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को भेंट में दी गई भूमि, शालभोग स्कूल के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान तिरुनमट्टू ककनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि। अब आपने देखा है कई बार प्रीलिम्स में ऐसे कोई टर्म्स दे देंगे और आपको उसका मतलब पूछेंगे कि क्या मतलब है, तो ये अब साथी कक्षा में दिया गया है तो प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है। तो इसमें खास करके वेलन वगई, ब्रह्मदेय और शालाभोग बहुत आसान है, ये और पल्लीचंदम, इन तीनों में से मैं समझता हूं कि क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। अब प्रशासन, किसानों खास करके स्थानीय प्रशासन, देखिए प्रशासन में एक्चुअली केंद्रीय प्रशासन भी होता है, प्रांतीय प्रशासन भी होता है और स्थानीय प्रशासन भी होता है, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की उतनी बात नहीं की गई है। बस हमने इतनी सी बात कर ली अपने स्तर पे कि अगर राजा प्रभावशाली है, राजा का साम्राज्य बड़ा है, तो वो सामंतीकरण को बढ़ावा नहीं देगा, उसे कम करेगा, उसको समझ में आएगी बात कि ये तो मेरे राज्य के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रशासन अपने नियुक्त किए गए अधिकारियों की मदद से चलाना चाहेगा, बस उतना। बाकी यहाँ दिया गया है, यहाँ पे मुख्य तौर पे स्थानीय प्रशासन की बात की गई है कि किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। देखिये ये गैर ब्राह्मण किसान थे, वे लाल जो थे गैर ब्राह्मण किसानों की बस्तियां थी। इस तरह के गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। तो सबसे नीचे हो गया उर, उसके बाद हो गया नाडू, और हमने बात की थी कि राजेंद्र प्रथम ने, राजा ने क्या है कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे। तो उन्होंने एक प्रशासनिक सुधार उनके समय में ये हुआ था कि वलनाडू भी कई नाडुओं के ऊपर वलनाडू बना दिए गए थे। तो राज्य और नाडू के बीच में वलनाडू का एक नया एक प्रशासनिक स्तर बना दिया था उन्होंने। तो इस तरह के गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासनिक कार्य करते थे। देखिए न्याय करना और कर वसूलना मतलब स्थानीय स्तर पर ये काफी स्वायत्त थे। लेकिन फिर क्या लिखा है, वेलाल जो कि बड़े किसान थे उनका नाडू के स्तर पर भी प्रभाव था। कैसे पता चलता है कि यहाँ पे मुवेंद्र वेलन मीन्स एक ऐसा किसान जिसने तीन मुखियाओं की सेवा की हो। मुवेंद्र मीन्स मुवेंद्र से आया है और वेलन, तो ये क्या दिखाता है कि आप इतने पुराने किसान हैं, इतने पुराने भूस्वामी हैं कि आप उस समय से लगातार राजाओं की सेवा करते आ रहे हैं। तो ये उसको दिखाता है, एक प्रकार की उपाधि है ये। और अरैयर मीन्स मुखिया, चीफ, लोकल चीफ जैसे उपाधि वाले पुरुषों को प्रमुख स्थान दिया गया था। मतलब अगर हमें ऐसा कोई अभिलेख मिला है जिसमें जो नाडू जो प्रशासनिक इकाई है वो कोई भूमि अनुदान कर रही है या कोई दान कर रही है, कोई नया सिंचाई का प्रोजेक्ट शुरू करवाया है, फाइनेंस किया है इत्यादि, तो ऐसे किसी भी संदर्भ में अगर कोई अभिलेख है जिसमें लिखा गया है कि पर्टिकुलर नाडू जैसे वो या कोई पर्टिकुलर प्रशासनिक इकाई ये काम करवा रही है, तो उसमें अधिकारियों के तौर पर ऐसे लोगों का नाम है जिनको ये उपाधियां दी गई थी। तो माना जाता है कि मतलब जो ग्रामीण स्तर पर प्रभावशाली थे उनका प्रभाव जो है वो ब्लॉक स्तर पर भी या जिला स्तर पर भी था, क्योंकि हम नाडू कोई प्रशासनिक इकाई जब भी कोई अभिलेख निकालती थी तो उनमें ऐसे अधिकारियों का भी वर्णन पाते हैं। और स्वाभाविक है कि तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्थानीय लेवल पर जो पावरफुल लोग थे वो उर लेवल पर जो पावरफुल थे वो नाडू लेवल पर भी खासा
प्रभावशाली तो थे, और शायद इसलिए राज्य ने इनको अलग अलग वलनाडुओं में बांटा ताकि इनकी इनके प्रभाव में थोड़ी कमी लाई जा सके। शायद कावेरी घाटी में दक्षिण भारत के अन्य हिस्सों की तरह बड़ी संख्या में ब्राह्मीण बस्तियां क्यों, और इन ब्राह्मीण बस्तियों की देखरेख प्रमुख भूस्वामियों ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा किया जाता था। तो देखिए, हमने यहां बात की उर की, हमने शुरू में बात की थी कि ऐसा हो सकता है कि देखिए राजा ब्राह्मण को कई कारणों से अनुदान देता था, ठीक है, कृषि के विकास के लिए, ठीक है, मतलब जनजातीय समाज को कृषक समुदाय में बदलने के लिए, अपने अपने लिए अगर कोई प्रशस्ति लिखा है तो उसके बदले में सम्मान किया गया। लेकिन हो सकता है, ऐसा कुछ इतिहासकार मानते हैं, कि ये जो स्थानीय स्तर पर वेल्लालों की बस्ती थी, जो इतने पुराने थे, इतने डटे हुए थे, कि ये हो सकता है कि राजा को भी लगातार चैलेंज देते हो, ठीक है, या राजा की सत्ता को ना मानते हो, राजा कोशिश कर रहा है कि इन्हें अपने वश में किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कर वसूला जाए, या इन्हें राजनीतिक स्तर पे थोड़ा कमजोर किया जाए ताकि ये लगातार हमें चैलेंज ना दे सके। तो हो सकता है कि ये जो सभा वाले गांव थे ये इसलिए भी बसाए गए हों ताकि इन इन वेल्लाल के गांवों को एक तरीके से आप काउंटर बैलेंस कर सकें, ठीक है। और उसके अलावा आते हैं नगरम। नगरम में भी दरअसल कई बार जो स्थानीय व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी, जैसे कि हमें नाडू जब कोई अभिलेख निकालता था तो उसमें हमें जो इन अरेयर या मुबिंद्र वेलन उपाधि वाले अधिकारियों का जिक्र मिलता है, वैसे ही जब नगरम भी ऐसे कोई अभिलेख अनुदान के वक्त पे या किसी और वक्त पे किसी और कारण से अगर कोई अभिलेख लिखता था तो हमें स्थानीय व्यापारियों के नाम मिलते हैं, ठीक है, या स्थानीय श्रेणियों के जो अध्यक्ष रहे होंगे, ठीक है, जो आपको याद हो कि कुछ कायस्थ, या कायस्थ तो खैर एक नॉर्थ इंडियन कास्ट है, बट ऐसे अगर कोई लोकल कास्ट हुई तो ऐसे अधिकारियों के नाम मिलते थे। तो नगर के लेवल पर भी जो स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली हैं उनका प्रभाव था। अब हमने यहां सभा की बात की थी कि अगर कोई ब्राह्मण गांव है तो उसका प्रशासन सभा संभालेगी। एक उत्तर मेरूर जगह है तमिलनाडु में, चिंगलपट जो जिला है वहां, इसमें से यहां कई सारे मंदिर की दीवारों पर कई सारे अभिलेख हैं, जिसमें से कुछ अभिलेख पल्लव काल के हैं लेकिन ज्यादातर चोल काल के हैं। इसमें डिटेल में बताया गया है कि इन सभाओं की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होगी। देखिए, जब हम योग्यताओं की बात करते हैं तो हम मात्र सभाओं की सदस्यता के लिए बात करते हैं, उर के बारे में हमें इतनी क्लियर जानकारी नहीं है। हो सकता है कि अगर कोई उर गांव जो ऐसा कोई उर हो जिसमें अगर वेल्लाल लोगों का ज्यादा प्रभाव हो सकता है कि वो इतने लोकतांत्रिक ना हो, या हो सकता है कि वो सभाओं से ज्यादा लोकतांत्रिक हो। लेकिन हमें जो अभिलेख मिले हैं, खास करके जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, ये हमें समझने की जरूरत है, ये सभा की सदस्यता के लिए योग्यता की बात करता है, उर के बारे में ये बात नहीं कर रहा है, ठीक है। लिखा है कि सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी एक और चीज, सभा स्वयं नहीं, सभा अपनी समितियों के द्वारा, खास करके उप समितियों के द्वारा, आपको याद हो तो अलग अलग मुद्दों या अलग अलग प्रशासनिक कार्यों को करती थी, ठीक है, बगीचों का ख्याल रखना, सिंचाई की चीजों का ख्याल रखना इत्यादि, ठीक है, सड़क निर्माण, इस तरह की चीजें समितियों की सहायता से करती थी। अब यहां बात है कि सदस्य कौन होगा। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां ये भू राजस्व वसूला जाता है। मींस आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप एक टैक्स पेइंग सिटीजन है तभी आप इसके सदस्य हो सकते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, मींस रिक्रूटमेंट एज और रिटायरमेंट एज दोनों। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो मतलब आप शूद्रों को और महिलाओं को तो शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उनको वर्जित है इसको पढ़ना। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ऐसे भेदभाव चलेगा, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे एक आधुनिक समाज और एक प्राचीन और मध्यकालीन समाज में अंतर आ जाता है। क्या आज के समय में हम किसी ऐसे व्यक्ति को ईमानदार कहेंगे जो भेदभाव करता हो स्त्री पुरुष में, जातियों में, धर्मों में? हम कहीं ना कहीं उसकी ईमानदारी, उसकी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाएंगे, क्योंकि मॉडर्निटी जो है वो एक प्राचीन और मध्यकालीन नैतिक सिस्टम से ज्यादा कंप्लीट सिस्टम है। एक जो आधुनिक दिमाग है वो
एक रैशनल दिमाग है, वो चमत्कारों को एक फेस वैल्यू में नहीं एक्सेप्ट करता कि हाँ कोई चमत्कार हुआ होगा। तो यही है कि जो आधुनिक समाज और यू नो पहले के समाज में अंतर स्थापित करता है, ऐसी छोटी छोटी बातें। देखिए भौतिक विकास तो अपनी जगह है, लेकिन जो नैतिकता में परिवर्तन है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कहने के लिए कि क्या कोई समाज आधुनिक है कि नहीं, या कोई व्यक्ति आधुनिक है कि नहीं। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। एक कॉन्सेप्ट है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कई बार आपको कहा जाता है ना कि आप दो टर्म से ज्यादा नहीं बन सकते मेंबर, और अगर आपका 2 टर्म हो गया है तो आप बीच में 3-4 साल के लिए नहीं बनेंगे, फिर आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुछ कुछ वैसे ही है यहाँ पे कि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह और किसी और समिति का सदस्य नहीं बन पाएगा। जिसे अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो मतलब ईमानदारी का तो पूरा हिसाब रखा जा रहा है, लेकिन ये वाकई में लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। हमने बात की थी वज्जी गणराज्य की और कहा था कि ये गणराज्य नहीं है, ठीक है। ये दरअसल मतलब जो अमीरों के द्वारा ओलिगो ये प्रजातंत्र तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी कई लोगों को शामिल नहीं किया गया था शासक वर्ग में। वैसे ही यहां भी है, हालांकि अपने समय के हिसाब से तो ये ज्यादा प्रजातांत्रिक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप कहेंगे कि नहीं इन्हें भी, जैसे कि 73वें संविधान संशोधन ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात की है, ये भी करेंगे तभी हम इन्हें प्रजातांत्रिक मानेंगे, तो ये भी थोड़ा ज्यादा डिमांड करना हो गया एक इनके टाइम को देख के। तो इस तरीके से वर्णन किया गया है कि कैसे क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसके साथ जो है आपका चैप्टर 2 खत्म होता है, चैप्टर 3 जो है वो लेक्चर 3 में देखेंगे। थैंक यू।